हेलो एवरीवन, मैं मनीष अतिवली स्वागत करता हूँ आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाइट। उससे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, पैरेलल पे ही हमने एक वोकैब से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो एक मनीष कर सर के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें रूट वर्ड्स डिस्कस कर गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का नाम है इंग्लिश बाइट्स कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट वन। आई एम मनीष सत्यवली, योर इंग्लिश मेंटर्स फॉर दिस सीरीज। इसमें हम हमारे जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है वो रही यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज लर्नर्स एंड बिगिनर्स, जो बिगिनर्स लेवल पे हैं, कॉम्पिटेट एग्जाम से एक्सपीरियंस, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, डिफेंस एग्जामिनेशन की। एनी वन हु लव्स टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश कैन वॉच दिस वीडियो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वीडियो इज एग्जाम रिलेटेड नॉलेज इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ bytes, less is more, that is we focus more on the simplicity. Time frame is very crazy, 5 to 10 minutes time frame is there. I'll try my best to finish it within this time frame. Content descriptions in the form of bullet points, effective via pictures and PYQ linkage. This section is more important for those aspirants going to take competitive examination like SSC, GL, banking, insurance and railways. Category-wise content is being delivered through this series. Confusing words, categorically unnecessary words, misplaced words, and many more. Currently, we are focusing on the confusing words, and later on, we will try to jump on the unnecessary and misplaced words. So, let's start. Our first word in this series is advice versus advice. Now, remember the sound. This advice has S sound, and this advice has Z sound. Now talking about the parts of speech, advice is a noun which is uncountable noun, whereas advise is a verb. So this is the main difference between them. The meaning, in the meaning there also lies a difference. A suggestion about someone what should do, a suggestion about what someone should do is advice. Meaning for advice are two different meanings. In context, we give advice to someone, or we inform or notify. ये मीनिंग सबको पता होता है, बट ये वाला मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इस पे बेस में एक क्वेश्चन भी दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ही गेव हर सम वैल्यूएबल एडवाइस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये मेरे पास एक नाउन फ्रेज है। ओके, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, ये सब मैं डिस्कस करूँगा जब मैं आप थ्योरी की वीडियोस बनाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। वहाँ पे मैं इनको सब बिल्कुल लेंथ और कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करूंगा। अब ये बाइट्स है तो इसमें शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सम है, ये सम मेरे पास इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, वैल्यूएबल यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव, तो ये हुआ मेरे पास नाउन। तो ऐसे आपको डिटेक्ट करना है, आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए कौन सा एलिमेंट का क्या रोल है पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो ये हो गया मेरे पास एडवाइस, ही गेव हर सम वैल्यूएबल एडवाइस। इसके करस्पॉन्डिंग ही एडवाइज्ड मी टू वॉच वीडियोज ऑफ ई मेंटर्स यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कुछ लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि बोलते ये क्या है, मेरा वर्ब यहाँ पर कोई एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। आई वुड लव टू हैव योर एडवाइस ऑन हाउ टू स्टे, एडवाइस, योर एडवाइस नाउन। यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट विद अस फॉर एडवाइस। ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर एडवाइस, ये मेरे पास एक प्रेप पोजिशन फ्रेज है। क्यों कहा गया है प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर जो लीडिंग एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है, प्रपोजिशन ही है, फॉर मेरे प्रपोजिशन। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास नाउन। ये मेरे पास स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रपोजिशन फ्रेज का। लेंथ में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, स्टे ट्यून्ड। व्हाट वुड यू एडवाइस मी टू डू, एडवाइज, ज साउंड हमेशा ध्यान रखिएगा। वी स्ट्रांगली एडवाइज यू टू फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइन। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसका सेकेंड मीनिंग है जो मैंने ऊपर स्टार मार्क कर रखा है, ये वाला मीनिंग सेकेंड मीनिंग है। यहाँ पर आप कोई एक फॉर्मल इन्फो दे रहे हैं यहाँ पर एडवाइस के सेंस में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोबेबल मिस्टेक्स जो एक कैंडिडेट कमिट कर सकता है, कोई भी अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है या उस इस चीज को एज अ टूल यूज कर सकता है किसी भी एरर को स्पॉट करने के लिए। कंप्लीट एग्जाम्स में आर्टिकल यूसेज विद एडवाइस, ये है आपकी पहली एरर जो आप कमिट कर सकते हैं। शी गेव मी अ गुड एडवाइस, ना ना ना, बिल्कुल गलत। यहाँ पर वी ऑलवेज गिव यू एन एडवाइस, ना ना ना, बिल्कुल गलत। गलत क्यों है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज किए गए हैं, वो भी आपके कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किए गए हैं जिनको हम
डिस्कस करते हैं डिटरमिनर्स के अंदर। ये डिटरमाइन कर रहा है, ये आपको डिटरमाइन कर रहा है एडवाइस को, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं एडवाइस को यूजिंग एन आर्टिकल, इसलिए गलत है। ये नाउन है, आपको मैंने पीछे ही बता दिया गया है, वो भी कौन सा अनकाउंटेबल नाउन। ये भी यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये दोनों सेंटेंसेस मेरे पास करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं बताता हूँ। शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। देखिए यहाँ पर एक आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ किया गया है, उसके बाद ऑफ लगाया गया है, तब इसको क्वान्टिफाई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड इसको क्वान्टिफाई कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसके बाद ऑफ लगता है, यहाँ पर मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन आता है। आपने सुना होगा अ लफ ऑफ ब्रेड, खाया है ना, वैसे ही ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है। सिमिलरली अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, अ कप ऑफ टी, अ पीस ऑफ वुड, सब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास क्वांटिफाई। वी ऑलवेज गिव यू सम एडवाइस, ध्यान दीजिए यहाँ पर सम भी मेरे पास क्या है, इसके लिए परफेक्ट क्वांटिफायर है। यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास, नाउन, तो सम भी इसको क्वांटिफाई कर सकता है। शी गेव मी सम गुड एडवाइस, ये भी करेक्ट है क्योंकि क्वांटिफायर बिल्कुल सही है, ये नाउन है तो इसको क्वांटिफाई कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन को। ध्यान दीजिए सेकंड मिस्टेक जो आप कमेंट कर सकते हैं वो है मेरे पास, कमिट कर सकते हैं वो है मेकिंग एडवाइस प्लूरल। ना ना ना, प्लूरल बोलते ही ध्यान आया कि ऐड कर दो है सर, ये सर हो गया आपका काम, इधर नहीं होगा, गलती हो गई आपसे। वी ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर प्रैक्टिकल एडवाइस, बिल्कुल गलत सेंटेंस, एस नहीं आता है कभी भी। नेवर ट्राई टू मेक एडवाइस प्लूरल बाय मे एडिंग एस और इज एट द एंड ऑफ इट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ना ना ना, बिल्कुल गलत। अ लॉट ऑफ सही है, बट यहाँ पर एस की वजह से ये सेंटेंस गलत हो चुका है। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी सही है। वी ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर प्रैक्टिकल एडवाइस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शी गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, क्वान्टिफाई बिल्कुल परफेक्ट यूज किया गया है इसके अकॉर्डिंग। थर्ड मिस्टेक जो आप कमेंट कर सकते हैं वो है मेरे पास यूज एडवाइस इन प्लेस ऑफ वाइस वर्स है, जिसके लिए ये सीरीज बनाई गई है कि आप सोचते हैं कि दोनों एडवाइस एंड एडवाइस दोनों ही मेरे पास क्या है, सेम है, बट नहीं, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में भी दोनों बहुत ही अलग हैं और पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। दे आस्क हर काउंसलर फॉर एडवाइस, बिल्कुल ही गलत, एडवाइस नहीं आएगा। इससे भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पीछे बताया है कि ये क्या है मेरे पास, प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज आ चुका है क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, नाउन, ना जी ना, सी आएगा यहाँ पर, तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर ये नाउन है। तो ये सेंटेंस हुआ आपका गलत, ये सेंटेंस हुआ आपका करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अपीयर के लिंकेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट गोइंग फॉर एसएससी सीजीएल बैंकिंग एग्जाम्स PYQ, ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसे एक पैटर्न बनता है। देखते हैं SSCL 2013 में पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, द टीचर एडवाइज टू द डैश द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 डेज, नो एरर, किस पार्ट में एरर है, एडवाइस का एरर है। तो किसी समझदार ने बोल दिया व्यूअर ने कि देखो भैया एडवाइस फर्स्ट पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही है, पर क्यों है एरर वो ध्यान देना पड़ेगा। एडवाइस समवन प्लस इन्फिनिटिव, जब भी एडवाइस के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा तब इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद ये टू सही है, तो ये पार्ट में आपका टू गलत है, एरर हो गया पार्ट वन पे। कुछ और फॉर्म्स हैं यहाँ पर, एडवाइस प्लस ING फॉर्म, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो एडवाइस के बाद तो आप ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एडवाइस बोरोइंग, ये सही है। ये तीन फॉर्म्स और हैं, ये भी सही है, एडवाइस समवन ऑफ समथिंग, एडवाइस समवन अबाउट समथिंग, समवन डेट क्लॉज। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर टू में आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2015 में पूछा गया, एडवाइज मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। देखा किसी ने बोला कि यहाँ पर एडवाइज है, भैया वर्ब आएगा तो क्या आ जाएगा, पार्ट वन में एरर हो गया, एस वाला यहाँ पर आएगा आपका एडवाइस, तो पार्ट वन में। क्वेश्चन थ्री मूव ऑन करते हैं। सीजीएल 2015 में पूछा गया, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक अ हॉलीडे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 किस में एरर आएगा, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पर एरर की कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन एरर में आना ही नहीं चाहिए था, रिकमेंडेड भी सही है, बट अगर आ गया है तो आपको बेस्ट ऑफ द फोर में से बेस्ट चुनना चाहिए यहाँ पर कोई एक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका रिकमेंडेड आपका ये एरर है, इसमें आप एडवाइस
यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेनो में पूछा गया है, 31 जनवरी 2016 में आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो, नो एरर पार्ट 4। बताइए बताइए किसमें एरर है आपका, इसमें एरर जो है वो पार्ट 3 में है। क्यों है, रीजनिंग लीजिए यहाँ पर। टू एडवाइज हिम, देखिए ये जो फॉर्म है ये फॉर्म में ध्यान दीजिए, 2+V1 पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, पढ़ा तो है, टिक मार्क किया था, थर्ड पार्ट तो सही है, अच्छी बात है। अप्लाई करना सीखे, देखिए मैं आपको एक रैम अप्रोच आपका इस स्लाइड से वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें देखिए ये उसका ही पार्ट है अप्लाई करना। टू एडवाइस, यहाँ पर टू एडवाइस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, वर्ब की फॉर्म आना चाहिए, वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए तो क्या आना चाहिए यहाँ पर आपके पास, एडवाइस दिया क्या है, नाउन, तो पार्ट में एरर हो गया, थर्ड में एरर हो गया आपके पास। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 SSCGL 2016 टीयर 1 पूछा गया है, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। देखा 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 एडवाइस देखा, यहाँ पर कहा कि क्वांटिफायर तो गलत है, तो इसका मतलब क्वांटिफायर की मिस्टेक होगी, सम आया सम आया समय मार्क कर दिया फटाक से टिक। देखिए जब भी आपको माइंड में आपका एक मैप होगा कि आगे प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, तो आप फटाक से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चलना है क्योंकि सम यहाँ परफेक्ट क्वांटिफायर है, यहाँ पर एन आएगा नहीं इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया, यहाँ पर भी एन है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं, SSCGL 2017 टीयर 1 पूछा गया, द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज एडवाइज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद पढ़ेंगे आप डिटेल में, मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, थ्योरी की जो वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे टेंस में। यहाँ पे देखिए जैसे देखा हैज का एडवाइज 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 तीनों में एडवाइज हो गया, तो ये ऑप्शन तो हो जाता है, इम्प्रूवमेंट तो पक्का होगी यहाँ पर। देखा 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 ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है अभी बताता हूँ, ये सही है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप टेंस का फॉर्म चेंज कर रहे हैं जो कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, कभी भी आप टेंस का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, एरर के केस में टेंस वही रखना चाहिए आपको, वॉज एडवाइज यहाँ पर भी सेम गलती हो रही है, इसलिए ये गलत और ये सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पे उसमें सीरीज में, एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, फिल द ब्लैंक यूजिंग वर्ड एडवाइज और एडवाइस। क्वेश्चन नंबर, शाह ऑफर्ड मोदी सम डैश, अरे क्या ऑफर किया, दोनों में से फिल कीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, गीता वेड डैश हर सिस्टर ऑन द शॉर्टेस्ट वे टू रिमार्क। क्वेश्चन नंबर 3, नेवर गिव डैश अनलेस यू आर आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर डैश ऑन व्हाट टू रीड। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज डैश रिसेप्शन ऑफ योर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कराया था उसी से रिलेटेड है, तो कमेंट कीजिएगा अपने आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या आएगा, एडवाइस या एडवाइस आएगा, मैं कमेंट आपके देखूंगा और जिसके करेक्ट आंसर होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट भी करूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट बहुत जरूरी है, तभी वीडियोस बिल्कुल उत्साह और उनके साथ बनी है। ये रही आपकी रैम अप्रोच जो मैं डिस्कस कर रहा था, रैम सुनते ही नाम दिमाग में आया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जी हाँ उसी से ही मैंने ये एक्रोनिम बनाया है, ये है आपका ब्रेन, ध्यान दीजिए ये ब्रेन है आपका, और अगर ये आपकी आईज हैं, जो भी आप आईज से जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट ब्रेन से होती है, तो ये क्या कर रहे हैं आप, रीड कर रहे हैं, रीड करते टाइम आपका ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन में आपने कुछ स्टोर किया हुआ है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको जब आप किसका यूज़ करेंगे, आप अपने हैंड्स का यूज़ करेंगे, थोड़ा गलत बन गया कोई बात नहीं, हैंड्स हैं, ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंड्स करेंगे तो आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, तो जब आप अप्लाई करेंगे चीज़ को फिर आपको क्या करना है, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, मेमोराइज करने का मतलब क्या है, उस जो भी चीज़ आपने रीड करी है उसको ब्रेन में स्टोर कीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए। देखिए ये है आपकी रैम टेक्निक, रैम को आपको कैसे करना है, आपको सर्कल में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे आप उसको रिपीट करनी है इन तीन चीज़ों की, RAM, तभी आपको उसके कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिडिफाई हो पाएगा और तभी आपको वो कंप्लीट एग्जामिनेशन और हेल्प करेगा, फटाक से एरर को स्पॉट कर पाएंगे, इंग्लिश सेक्शन में 100% भी स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आराम देते हैं, मैं भी अपनी वार्निंग को आराम देता हूं, बट उससे पहले आपकी मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहे, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए लास्ट में रिमाइंड फिर से कर देता हूँ, हम एक पैरल में एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जो कि हमारे पास कैप से रिलेटेड है, जिसमें आपको रूट वर्ड्स मिलते हैं, रूट वर्ड उससे रिलेटेड वर्ड्स 40 वर्ड्स मिलेंगे आपको, मैं बता दूं आपको पहले पर वीडियो में,
ये सीरीज स्टार्ट की गई है मनीष गर्ग सर द्वारा, तो उसको देखना ना भूलें इस वीडियो से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद, पर उसको देखें जरूर, दोनों को देखेगा आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कमेंट कीजिएगा, कमेंट आपका हाईलाइट होगा। बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, गुड नाइट।